हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। आज मैं हूँ सीएम सिटी उत्तर प्रदेश यानी कि गोरखपुर। गोरखपुर में घूमने और देखने के लिए बहुत सी जगहें हैं। मैं यहाँ पर 4 दिनों के लिए आया हूँ। गोरखपुर का आज मेरा पहला दिन है और आज मैं आया हूँ सबसे पहले रेल म्यूजियम। चलिए चलते हैं रेल म्यूजियम के अंदर। इसके अंदर एंट्री करते ही आपको राइट साइड में यह रेल म्यूजियम प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। ये देखिए, छोटी सी और अच्छी सी ट्रेन लगी हुई है। यह स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की अपनी एक अलग ही बात है। ये महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी हैं। यह है पुराने टाइम की ब्रिक्स, जिनको काफ़ी सजो के रखा गया है। काफ़ी चौड़ी और मोटी ईंटें हैं ये। आजकल के ज़माने में ऐसी ईंटें कहाँ आती हैं। ये बरेली के इज्जत नगर के पास से मिला हुआ है। बाकी इसके दोनों साइड में इस तरफ यहाँ वर्क कैसे होता है रेलवे का, उसको प्रदर्शित किया गया है। इसमें रेलवे की हिस्ट्री है आई थिंक, जिसमें कि अलग अलग स्टेट की रेलवे को प्रदर्शित किया गया है कि उनके सिंबल क्या क्या हैं। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो भी शामिल है। और मोस्टली यहाँ पे वो जो टॉय ट्रेन्स के लिए दार्जिलिंग हिमालयन, और अभी भी शायद स्टीम से चलता है, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक ये चलती है ये ट्रेन। ये रेलवे के कैमरे हैं, ओल्ड टाइम के कैमरे हैं दोस्तों। ये भी कुछ उसका एक यंत्र है। ये ब्लड लीवर बेस, ग्लेजिंग मशीन, साउंड प्रोजेक्टर, फोटो स्कैनर। तो दोस्तों यहाँ पे इतनी चीज़ें, रेलवे इतनी चीज़ें यूज करती है, हमें तो पता ही नहीं था। आज कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ चलिए कुछ हमने देखा है। और ये यहाँ पे कार्ड गोदाम का रेलवे स्टेशन लगा हुआ है, और ये एक टर्मिनल स्टेशन है। इसके आगे ट्रेन्स नहीं जाती है क्योंकि आगे हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं आ जाती हैं। इस रेल म्यूजियम में 2 ओल्ड पंखे हैं, जिसमें से एक तो सिर्फ 2 परों वाला ही है, बाकी 3 परों वाला भी है। लेकिन 3 परों वाले तो हमने बहुत से देखे होंगे, लेकिन 2 परों वाला फ़ैन हमने आज तक नहीं देखा। आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में 2 परों वाला फ़ैन देख रहा हूँ। और यहाँ पर सर्च लाइट यानी कि जो सिग्नल देते हैं ना रेलवे में, वो भी लगा हुआ है ओल्ड टाइम का। रेल म्यूजियम से बाहर निकलने के बाद आपको पुराने ज़माने का स्टीम इंजन देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बड़ा है। इसका नाम लॉर्ड लॉरेंस है। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है दोस्तों। पुराने टाइम में ऐसी ट्रेन चलती थी। और अब इससे हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने पर काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत लाइटिंग देखने को मिल रही है हमें। और इस साइड है कैंटीन। रेस्टोरेंट पर जाने से पहले यहाँ पर एक ट्रेन की पटरी गई हुई है। मोस्टली यहाँ पे छोटी छोटी बच्चों वाली जो खिलौना ट्रेनें होती हैं वो चलती हैं, और उसके लिए यहाँ पर ये सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया है। ये दोनों साइड पे सिग्नल लगे हुए हैं यानी कि बैरियर लगे हुए हैं।
और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोच रेस्टोरेंट है, इसमें ट्रेन के अंदर ही रेस्टोरेंट बना हुआ है दोस्तों। ये वाकई में हेरिटेज सेंटर है दोस्तों। ये कोच देख रहे होंगे आप लोग, ये कोच के अंदर ही रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये देखिए पूरी एक ट्रेन का जो बोगी होती है, जो एक डिब्बा होता है, उसके अंदर रेस्टोरेंट है दोस्तों। यह काफ़ी अलग और डिफरेंट रेस्टोरेंट है फ्रेंड्स। ऐसा रेस्टोरेंट आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। यहाँ पर इस साइड में कुशीनगर का गौतम बुद्ध जी का मंदिर है और इसके ठीक बराबर में चित्तौड़गढ़ का किला लगा हुआ है, उसके आगे ताजमहल, और इस साइड में अक्षरधाम मंदिर जो कि दिल्ली का काफ़ी फेमस मंदिर है वो है, और यहाँ पर ब्रिज है, और यहाँ पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और खजुराहो मंदिर, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की पिक्चर्स लगी हुई हैं। रेल म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर बच्चों के झूलने के लिए झूले भी लगे हुए हैं जिस पर बच्चे झूल भी रहे हैं। यहाँ पर एक गैंगमैन की प्रतिमा लगी हुई है। ये चौकीदार है, रेलवे के चौकीदार कैसे होते हैं। और इसके इस साइड में गैंगमैन बना रखा है और गैंगमैन को लगा रखा है। ये वो जो पटरियां बदलते हैं ये उसका है दोस्तों। ये नर्स, और इस साइड में कुली लगा रखा है। काफ़ी अच्छी और बढ़िया जगह है ये। अगर आप कभी गोरखपुर आएँ तो इस प्लेस पे आना ना भूलें। और उस साइड में फाउंटेन है, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको फाउंटेन की तरफ। ये फाउंटेन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत है ये। और इसमें लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी एक ट्रेन का इंजन रखा हुआ है। इस म्यूज़ियम के चारों तरफ ट्रेन के इंजन रखे हुए हैं। ये काफ़ी पुराना इंजन है दोस्तों, एक्चुअली ये रोड रोलर है, ट्रेन का रोड रोलर बनाया हुआ है। ये काफ़ी यूनिक है, बहुत ही यूनिक। अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है और मेरा कैमरा भी इतना बढ़िया साफ तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है स्टीम रोड रोलर, इस पे इसकी स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है। लाइटिंग से जगमगाता यह नारियल का पेड़ काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बच्चों के झूलने और खेलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के झूले भी लगे हुए हैं। और यहाँ से यह ट्रेन जा रही है, चलाना ट्रेन। ये लोग बच्चे तो नहीं है लेकिन अपने बचपन के दिनों को जरूर मिस कर रहे होंगे। पूरा रेल म्यूजियम घूमने के बाद अब हम अपने लास्ट एक्टिविटी, ये खिलौना ट्रेन में बैठने वाले हैं। ट्रेन में बैठ गए हैं और ये ट्रेन हो गई स्टार्ट।
आज की शाम रेल म्यूजियम में बिताकर हमें काफ़ी अच्छा लगा और यह रेल म्यूजियम काफ़ी अच्छा है। अगर आप कभी गोरखपुर आएँ तो आप इस रेल म्यूजियम में आ सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी जगह है। आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।